हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. आई होप सो आप सब ठीक ठाक से होंगे. अच्छा, आज मैं बनाऊंगी स्मूदी. तो स्मूदी में मैं जो देखो फ्रूट्स जो भी अवेलेबल हो तो वो आप ले लीजिएगा. और मेरे पास तो हैं फ्रूट्स जो अभी अवेलेबल, जैसे ग्रेप्स हैं, आलू बुखारा है, इसको मैंने काट दिया है, बनाना है, ब्लूबेरीज हैं, एप्पल है, एप्पल को मैंने काट दिया है, ड्राई फ्रूट्स हैं जो जिसमें वॉलनट है, किशमिश है और आलमंड है, और ये सीड्स हैं हमारे पास वाटरमेलन के, और मिल्क, और ओट वाला बना रही हूँ मैं, ओट का बना रही. ये जो मेरे पास जो ओट है, ये डिफरेंट टाइप के, इसके अंदर डिफरेंट टाइप की बेरीज हैं और फ्लैक्स सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है, और मिल्क चाहिए इसके लिए. तो चलिए आइए फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करती हूँ. बहुत इजी है ये, डाइजेस्टेबल भी है और अच्छे से खा भी सकते हैं, और काफ़ी देर तक पेट में रहता भी है ये. मैं इसमें ये ग्रेप्स डाल रही हूँ. काफी फ्रूटी वाला होता है ये और हेल्दी भी होता है. इसमें डाल दिए एप्पल, आपकी मर्जी है, आप इसमें इसके एप्पल के जो छिलके हैं उसको पील आउट करें चाहे ना करें, ये मैं नहीं करती हूँ. मेरा बनाना काफी बड़ा है तो मैं अभी हाफ डाल रही हूँ, देख उसकी थिकनेस देख लूंगी कैसी है. और ये अपना वॉलनट और कुछ बादाम डाल, किशमिश डाल. मेरे ओट के अंदर ऑलरेडी ही खरबूजे के बीज हैं, लेकिन मैं इसमें डाल रही हूँ और भी एक्स्ट्रा. इसके ये जो बीज हैं, ये सॉरी, ये सनफ्लावर बीज के हैं ये, सॉरी मेरे को खरबूजे लगे मुझे, सॉरी. दूसरा इसके अंदर डाल रहे हैं ब्लूबेरीज, काफ़ी टेस्टी आ जाता है, अच्छा खट्टा खासा टेस्ट आ जाएगा इसमें, काफ़ी अच्छा लगता है इसको खाने में जब खाते हैं. नाउ मैं इसमें मिल्क डाल दूंगी, हल्का सा किया है. अब इसमें डाल रहे हैं ओट, डाल रहे हैं जो मेरा ओट है ना, ये देखिए इसके अंदर ऑलरेडी फ्लैक्स सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, काफ़ी तरह के सीड्स हैं, फ्रूटी अभी मतलब मिक्स वाला है ये. देखिए आपको मिल जाएगा कोई वहाँ से, आप सब किसी स्टोर में जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे सारे, ऑल हैं इसके अंदर, सारा कुछ है, चिया सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, फ्रूट्स हैं. मिल्क और डाल रहे हैं, थोड़ा सा मैं इसके अंदर हनी डाल रही हूँ, हल्दी भी होता है हनी, उसमें ग्लो आता है काफी हनी में, सब लोगों को मालूम ही है वैसे इसकी क्वालिटी क्या क्या होती है, थोड़ा सा हनी डाल दीजिए. अब शुगर मत डालिए, वैसे फ्रूट्स में ऑलरेडी बहुत मीठा है, लेकिन मैं फिर थोड़ा फ्लेवर बनाने के लिए कर रही हूँ, और इसको हल्का सा करते हैं चलाएंगे बस, क्योंकि काफ़ी भर दिया है.
देखते हैं कैसा लगता है। बना है, कितना टेस्टी लगा है। और आप चाहे तो इसके अंदर थोड़ा सा आइसक्रीम की क्यूब भी डाल सकते हैं अगर बच्चों को दे रहे हैं और बच्चा नहीं पी रहे पीना चाहता। वैसे बच्चों को अच्छा लगता है, ये काफ़ी फ्रूटी वाला है और वेरी वेरी हेल्दी। और इसकी थिकनेस देखो कितनी अच्छी है और इससे भूख भी नहीं लगेगी। हम आफ्टरनून में लंच कर लेंगे या बच्चों को कुछ खाना होगा तो फ्रूट्स खा लेंगे। आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और भी तरह की आप स्मूदी खाना चाहते हैं, पीना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं मेरे साथ, तो प्लीज़ मुझे लाइक कमेंट्स और शेयर ज़रूर करिएगा। अपने फ्रेंड्स लोगों को भी दिखाइएगा। और मेरे अंदर जो भी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, तो मैं डेफिनेटली आपकी जो इम्प्रूवमेंट करके आपके साथ शेयर करूँगी। सी यू फॉर नेक्स्ट वीडियो।